तो देखिए यहाँ पर निफ्टी की बात करें, निफ्टी पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और जो इम्पोर्टेंट सारे सपोर्ट लेवल्स है उसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए पिछले 2 बार ये जो यहाँ पर सपोर्ट लिया था इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, जो कि है 15,750 का। साथ ही साथ जो प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट रीजन था उसको भी ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। तो निफ्टी जो क्रूशियल लेवल था जो इस पर काफ़ी बार सपोर्ट लिया था वो लेवल ब्रेक हो चुका है, साथ ही साथ 15,500 का लेवल भी ब्रेक हो चुका है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं उसमें भी अब गिरावट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा। आज तो गिरावट हुआ ही, आगे और ज़्यादा, क्योंकि अब जो ट्रेंड होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो जब ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा तो सारे के सारे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने मिल सकते हैं। तो ये जो गिरावट होगा ये एक अपॉर्चुनिटी होगा कि आप फंडामेंटली जो सॉलिड स्टॉक्स है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलें। अगर यहाँ पर निफ्टी जो है इसके नीचे सस्टेन हो जाता है 15,500 के नीचे, मतलब आज का जो क्लोजिंग है इसके नीचे सस्टेन होता है, तो ये ट्रेंड जो है पूरी तरह से निगेटिव होगा। लेकिन अगर कहीं इस जिस तरह से जिस तेजी के साथ ये इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक किया, इसी तेजी के साथ अगर कहीं ये ऊपर चला जाता है तो फिर ये बॉटम भी हो सकता है निफ्टी का। तो ये देखना है किस तरह से बिहेव करता है यहाँ पर मार्केट, किस तरह से ट्रेड करता है, उस अनुसार से हम निफ्टी के लेवल्स को आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो ये एक मौका है, आप अपने पोर्टफोलियो में जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है उसको ऐड करके चल सकते हैं। अब देखिए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी की चर्चा करें, तो बैंक निफ्टी जो अपना जो इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट रीजन है उसको ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये 32,160 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक बैंक निफ्टी जो पूरी तरह से बेरिश नहीं होगा। तो निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी अभी अपना सपोर्ट रीजन ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी किस प्रकार ट्रेड करता है। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ अपना सपोर्ट रीजन जो ब्रेक कर देता है, मतलब 32,000 के नीचे आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी भी बेरिश हो जाएगा। फिर हमें मार्केट में एक फ्री फॉल भी देखने मिल सकता है कि यहाँ से फ्री फॉल हो जाए 5,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 2,000 पॉइंट का गिरावट हो जाए, तो फिर समझिए स्टॉक्स जो है काफ़ी सस्ते वैल्यूशन पर आपको मिलेंगे। अभी के मार्केट में ही आपको कई सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 50% करेक्शन पर मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए जो फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है, जिस स्टॉक पे मार्केट के सेंटिमेंट का उतना कुछ खास असर नहीं पड़ता है। तो वैसे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स इस गिरावट में आपको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में मिलेंगे, 20% तक वो करेक्शन पे मिलेंगे। तो उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, जैसे हो गया एशियन पेंट, पिडलाइट, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, इन सारे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, जो कि हम अगले के वीडियो में बताएंगे कौन कौन से स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो निगेटिव है, देखना है गिरावट कहाँ तक होती है, गिरावट होने देना है तब फिर बाइंग करना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी तरह के एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।